सो हे गाइस, आपने दोस्तों सुना होगा सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, यूट्यूब पे वगैरह एंड कहाँ पर भी देखा होगा। बट दोस्तों आप सभी को पता है कि सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस पर आपको पैर रखने की नीचे ज़रूरत नहीं है। एंड आपको जो है यहाँ पर जो है वॉइस असिस्टेंट एक ऑप्शन मिल जाता है। उसी तरह से आप जो इस गाड़ी को वॉइस असिस्टेंट करने के बाद आप रिटर्न आगे पार्किंग वगैरह कर सकते हो। एंड दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ये सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको यहाँ पर जो है कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे कैसे नहीं करता है, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये मालूम भी नहीं है। सो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कि ये जो सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कैसे वर्क करता है, अंदर इसमें क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से डिवाइस यहाँ पर जो है अवेलेबल है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में, एंड आपको ये जो है सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि आप सभी को पता होगा कि आप कोई भी मतलब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या मोटरसाइकिल जैसे कि पेट्रोल वाली चलाते तो आपको उसमें पैर रखने की ज़रूरत पड़ती है, नीचे पैर रखना पड़ता है गाड़ी जब रुक जाती है तो। गाड़ी जब ऑन रहती है, चालू रहती है, दौड़ती रहती है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। बट दोस्तों ये ऐसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है सेल्फ बैलेंसिंग, जो कि आपको यहाँ पर जो है इनलीगर मोबिलिटी के ने यहाँ पर जो है बनाया है। इसमें आपको दोस्तों आपको सेल्फ बैलेंसिंग यानी आपको यहाँ पर पैर रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली से डायरेक्टली जैसे गाड़ी हमारी ऑन रहती है, जैसे मतलब ऑन रहने के बाद खड़ी रहती है ना, वैसे ही ऑफ बंद होने के बाद भी खड़ी रहती है। सो दोस्तों अगर आपको जानना है सेल्फ बैलेंसिंग वाला ये स्कूटर कैसे वर्क करता है, अंदर इसमें कौन कौन से डिवाइस अवेलेबल है, एंड ये कहाँ पर अवेलेबल होगा, इंडिया में कब लॉन्च होगा, एंड आपको यह इलेक्ट्रिक व्हीकल या आप इसको पेट्रोल स्कूटर या कोई भी स्कूटर है आप इसे कह सकते हो सेल्फ बैलेंसिंग वाला स्कूटर, तो आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उसी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहले आप राइड विद मयूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उस लाइक उनको ऑन कर लीजिए, इस वीडियो लाइक जरूर करना ना भूलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ये यहाँ पर जो है लीगर मोबिलिटी आईआईटी स्टूडेंट ने यहाँ पर जो सेल्फ बैलेंसिंग वाला स्कूटर बनाया है। दोस्तों ये फर्स्ट सेल्फ बैलेंसिंग वाला स्कूटर नहीं है, होंडा का भी सेल्फ बैलेंसिंग वाला बाइक अवेलेबल हो चुका है लगभग 1 ईयर पहले। एंड सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर जो है दोस्तों ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले बहुत सारे फ्रेंड्स के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि गाड़ी रुक जाती है तो आपका मतलब हमारी सभी की गाड़ी जो है नीचे गिरती है, बट ये कैसे परफॉर्मेंस करता है, कैसे ये गाड़ी जो है बंद होने के बाद भी खड़ी रह पाती है विदाउट स्टैंड के। जी हाँ दोस्तों, विदाउट स्टैंड के सेल्फ बैलेंसिंग वाली स्कूटर खड़ी रह पाती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है एंड कैसे कैसे अवेलेबल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइज, इसमें जो गायरोस्कोप होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा एयरप्लेन, ड्रोन, फिंगर स्पिनर वगैरह, तो उसमें यहाँ पर जो गायरोस्कोप होता है दोस्तों, गायरोस्कोप मतलब अंदर ही मतलब ऑन रहता है एंड वो बैलेंसिंग करता है कि इधर उधर गिरने नहीं देता। जैसे कि इस गाड़ी में दोस्तों आपको जैसे कि लगभग हम बात करें 2 या 3 इसमें जो है इस सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर में गायरोस्कोप अवेलेबल है, 3 या 4 आप बोल सकते हो, अदरवाइज एक ही सेल्फ बैलेंसिंग वाला जो गायरोस्कोप है वो अवेलेबल हो सकता है, बड़ा वाला गायरोस्कोप। तो उस गायरोस्कोप की वजह से दोस्तों ये गाड़ी को गिरने नहीं देता, जैसे कि वो ऑन ही रहता है, घूमता रहता है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर जो है गाड़ी गिरती नहीं है, जैसे खड़ी रह पाती है। तो ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग वाला सबसे पहले गायरोस्कोप। गायरोस्कोप दोस्तों आपको फिंगर स्पिनर में भी अवेलेबल होता है, ड्रोन में, एरोप्लेन में भी अवेलेबल होता है, इससे जो है मतलब आप स्क्रीन पर देख सकते हो एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर जो ये गिरने नहीं देता किसी भी चीज़ को, तो ये मेंटेन करता है कि सभी चीज़ को। तो गायरोस्कोप जो है होता है वो होता है, तो उसी कारण इस गाड़ी को जो है गिरने नहीं देता। तो बहुत सारे फ्रेंड्स को लग रहा होगा कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों गायरोस्कोप एक बड़ा सा गायरोस्कोप इस स्कूटर में अवेलेबल है, तो उसी कारण दोस्तों गायरोस्कोप की वजह से इस स्कूटर को गिरने नहीं देता। एंड वॉइस असिस्टेंट जो ऑप्शन है वो दोस्तों इसमें काम चल रहा है, लगभग सेल्फ बैलेंसिंग वाला स्कूटर जो है दोस्तों उसमें काम अभी भी चल रहा है। तो उसी कारण से अभी ये लॉन्चिंग की बात करें तो इंडिया में दोस्तों 2020 तक तो ये लॉन्च हो सकता है, 2020 के आसपास। एंड आपको ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बहुत सारे फ्रेंड्स के दिमाग में आ रहा है, तो आपको ले सकते हो इस स्कूटर को। लेने के बाद आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है। जी दोस्तों, इस पर आईआईटी स्टूडेंट ने यहाँ पर कहा है कि इस स्कूटर को बनाने के बाद बहुत सारे जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि टक्कर लगाने के बाद गाड़ी गिर जाती है, बट इसमें गायरोस्कोप की वजह से गाड़ी को अच्छे तरह से गिरने नहीं देता। जी दोस्तों, अच्छी तरह से वो गिरने नहीं देता, मतलब वो मेंटेन करता है गाड़ी को कि यहाँ पर वहाँ पर गिरने नहीं देता, ऐसी लटपट रहती है बट गिरती नहीं गाड़ी, तो उसी कारण से गायरोस्कोप स्कूटर में अवेलेबल है। एंड गायरोस्कोप दोस्तों
होंडा के बाइक में भी अवेलेबल है। बहुत दिन पहले भी होंडा का भी गाड़ी लॉन्चिंग नहीं हुआ, बट उन्होंने दिखाया कि सेल्फ बैलेंसिंग वाला होंडा का बाइक। सो गाइज ये होता है सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर गायरोस्कोप, तो उसी कारण से गाड़ी गिरती नहीं। तो आपके साथ मैंने ये शेयर किया, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, एंड नए आए हो हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो एंड काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंट की न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल जाएगी।